तो श्रीमान आनंद रंगराजन, श्रीमान आनंद रंगराजन हमारे इस देश के तमाम दलाल, श्रीमान आनंद रंगराजन, लच्छेदार अंग्रेजी बोलने वाले श्रीमान आनंद रंगराजन, आशुतोष पाठक की चुनौती स्वीकार करो। हिम्मत है तो हमारे शो पे आ जाओ। वो मूर्खों की सभा में जाकर के जो बोलते हो ना आनंद रंगराजन, यहां मूर्ख नहीं बैठा हुआ है। अर्णब गोस्वामी के शो पे जाकर के हिंदी, हिंदू, मुसलमान, ये तुम अपना उधर चलाते रहो, या नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा आनंद रंगराजन जी? आनंद रंगराजन जी, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो इनके जवाब के लिए है। जवाब क्या है? मास्टर्ड यूनिवर्सिटी का है, मास्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी के फैकल्टी हैं रंगराजन। आनंद रंगराजन जी आपके लिए, आनंद रंगराजन जी आपके लिए, भारत के उन दलाल, इल इन्फॉर्म्ड, अनैतिक, बेईमान डॉक्टरों के लिए जो अब तक मुंह छुपाते रहे हैं ना, और आप कहते हैं ना पीयर रिव्यूड साइंटिस्ट ऑफ एक्सलेंस, तो साइंटिस्ट ऑफ एक्सलेंस का हॉर्सेस माउथ आनंद रंगराजन, आपके लिए मैं वो वीडियो लेकर के आया हूं। देखे तो होगे तुम भी आनंद रंगराजन, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। हिम्मत है तो देखो और इस पर प्रतिक्रिया दो और बताओ साफ गोई से आकर के कि तुमने जो वैज्ञानिक तथ्य सामने में रखे हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा था, इसलिए वैक्सीन दो। जब म्यूटेट कर रहा था तो भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए था, पत्र लिखना चाहिए था ना। तुमने लिखा क्या पत्र आनंद रंगराजन? आनंद रंगराजन बताओ कि तुमने पत्र लिखा क्या भारत सरकार को कि वायरस म्यूटेट कर रहा है इसलिए डोजेस अलग अलग होंगे, वो वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगा जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वुहान वेरिएंट पर था इंस्टीट्यूट, छोड़ दो। सच्चाई तो यही है, ये तो अभी आ जाएगा, वो सब पता चल जाएगा। सच्चाई पर भी पर्दा हटेगा, अभी चिंता मत करो। अब वीडियो हम दिखाते हैं, मास्टर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या कह रहे हैं जो डाटा एनालिस्ट हैं, 30 वर्षों का क्रेडेंशियल है, 30 वर्षों का आनंद रंगराजन, चोरी चकारी नहीं करने का है आनंद रंगराजन, 30 वर्षों का क्रेडेंशियल है, 30 वर्षों का, क्या कह रहे हैं 30 वर्षों का क्रेडेंशियल, अब जरा सुनिए इनको, फिर मैं आपको इनकी हर एक बात को एक्सप्लेन करता हूं। बताइए। माय नेम इज रेट्सेफ लेवी एंड सिंस 2006 आई एम अ फैकल्टी मेंबर एट MIT इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। आई हैव मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिशनर एंड एन एकेडमिक in using data and analytics to assess and manage risk, particularly in the context of health systems, health policies, as well as the management of safety and quality of manufacturing of biologic drugs. I'm filming this video to share my strong conviction that at this point in time, all COVID mRNA vaccination program should stop immediately. They should stop because they completely failed to fulfill any of their advertised promise regarding efficacy. And more importantly, they should stop because of the mounting and indisputable evidence that they cause unprecedented level of harm, including... मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि प्रोफेसर MIT के कह रहे हैं जो बहुत 30 वर्षों का इनको उन डाटा को एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में कि दवाइयों का क्या असर होता है, वैक्सीन का क्या असर होता है, वो कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर इनका एनालिसिस का तजुर्बा है 30 इयर्स का। तो ये कह रहे हैं कि अब जो दुनिया भर से डेटा हमारे पास आ रहे हैं, अब हम 2023 में हैं, 2022 21 20 में नहीं है, तो 2023 में जो दुनिया भर के डेटा आ रहे हैं उसमें से सारे डेटा ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की जितनी भी फिलॉसफी दी गई थी कि वैक्सीन आपका हॉस्पिटलाइजेशन रोक देता है नहीं रोका, वैक्सीन आपका डेथ रोकता है नहीं रोका, वैक्सीन आपको आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये सब कह रहे हैं कि वन आफ्टर अनदर वैक्सीन, कितना वैक्सीन आप लगाएंगे, तो ये वैक्सीन का जो डेटा आ रहे हैं
कहां कहां से आ रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स पे अब तक का अनुभव बताता है कि वो फेल हो गया है। इसलिए दुनिया भर की सरकारों को mRNA टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ड वैक्सीन है उसको वापस कर लेना चाहिए, ये इनका तर्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मास्चेट यूनिवर्सिटी, मास्चेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं आपको बोस्टन अमेरिका से कि आप उन सारे mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन को वापस कर लीजिए दुनिया भर की सरकारों से, और बाकी एविडेंस बताते हैं। जी, द डेथ ऑफ यंग पीपल एंड चिल्ड्रन। आई पर्सनली बिकेम कंसर्न्ड विद द वैक्सीन सेफ्टी अराउंड मिडल ऑफ 2021 व्हेन इट बिकेम नोन दैट द mRNA वैक्सींस cause myocarditis, an inflammation of the heart. Since myocarditis is known to be hard to diagnose because it often has vague symptoms or can even be subclinical with no symptoms, it's also known to be a frequent cause of out-of-the-hospital sudden cardiac arrest, especially among young people, I was very concerned that it will not be detected by the existing vaccine safety surveillance systems.